इस बार के बजट प्रावधानों में जो चीज सबसे ज्यादा सस्ती हुई है वो है सोना। सोने पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी क्या कम हुई, सोने की कीमत में बड़ा करेक्शन आ गया। लंबे समय बाद सोने के 10 ग्राम के रेट में 4 से 4,500 रुपये तक की गिरावट आई है। दरअसल सरकार का मकसद सोने की ड्यूटी कम कर इसकी कालाबाजारी और तस्करी को रोकना है, मगर सोने की सुरक्षित कीमत ने सराफा बाजार में एक बार फिर से रौनक लौटा दी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान, सोने चांदी के उतरे दाम। सरकार ने बजट में सोने चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी क्या कम की, दुकानों में भीड़ लगने लगी। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि सरकार ने सोने और चांदी पर 15% तक लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% तक कर दिया है। इंपोर्ट टैक्स घटाने का नतीजा ये हुआ कि 2 दिन में सोना 4,020 रुपए और चांदी 3,299 रुपए तक सस्ती हुई है। जाहिर सी बात है, सोना और चांदी सस्ता होगा तो खरीदने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा होगा। मतलब इस कदम को पूरा ज्वेलर्स एसोसिएशन स्वागत करती है और बहुत टाइम से सारे ज्वेलर्स उम्मीद करते थे कि सरकार डिमांड करते थे कि एक्साइज ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो ताकि पूरे वर्ल्ड में रेट एक ही मिले। आज जो लोग दुबई से सोना खरीदते थे अब वो सोना नहीं खरीदेंगे क्योंकि दुबई और इंडिया में रेट लगभग बराबर हो जाएंगे और करीब करीब 5.5 लाख रुपये का गोल्ड के रेट में डिफरेंस कम हुआ है। तो क्योंकि ये कमी जो हुई है वो सिर्फ टैक्स के कारण हुई है तो ये क्षणिक है, इसलिए लोग जो है 100% खरीदारी करने निकलेंगे। दरअसल दुबई गोल्ड व्यापार के लिए एक प्रमुख केंद्र है और अवैध सोने की तस्करी का भी एक मुख्य स्रोत रहा है। लोग टैक्स चोरी करने और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में सोना भारत लाते हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। वहीं व्यापारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने चांदी के दाम 80,000 तक पहुंच सकते हैं। बजट आने से पहले और बाद में दाम कितने बदले हैं वो समझिए। बजट से पहले यानी 22 जुलाई को सोने की कीमत 73,218 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो आज 69,194 रुपए के करीब आ पहुंची है। वहीं चांदी 2 दिन पहले 88,196 रुपए प्रति किलोग्राम थी, जो आज 84,897 रुपए प्रति किलोग्राम है। कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत भी समझिए। 24 कैरेट की कीमत 69,194 रुपए है, वहीं 22 कैरेट सोने की कीमत 63,382 रुपए है और 18 कैरेट सोने की कीमत 51,896 रुपए है। मैं इसको जो है नेक्स्ट मंथ से SIP करने जा रहा हूँ गोल्ड की। अच्छा। वो 1 मंथ जो है स्टेट मतलब स्टॉक मार्केट में वो नेक्स्ट मंथ से मैं करूँगा उसको। अब मैंने सोच लिया SIP करूँगा 1 मंथ, 1 ग्राम डेली, 1 ग्राम हर महीने खरीदता करूँगा या 5 ग्राम खरीदता। इस उतार चढ़ाव का असर कब तक रहने वाला है, यानी आने वाले दिनों में सोने और चांदी में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहे तो क्या सही होगा, इसका जवाब खुद मार्केट एक्सपर्ट से ही सुनिए। कस्टम ड्यूटी बढ़ जाने से लोग विदेशों से सोना लेके आ रहे थे और किसी न किसी फॉर्म में विदेशों से सोना आ रहा था, तो मुझे लगता है सरकार ने ये कदम जो है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ग्रो होगी, हमारे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बेनिफिट भी होगा। अभी सोने और चांदी में गिरावट भली ही हुई है लेकिन इसे केवल ड्यूटी एडजस्टमेंट कह सकते हैं क्योंकि इस साल अब तक सोने के भाव 5,842 रुपए प्रति ग्राम बढ़े हैं। साल की शुरुआत में सोना 63,352 रुपए के पास था, जो अब 69,194 तक आ पहुंचा है। वहीं चांदी 73,000 रुपए से शुरू होकर 84,000 के पार पहुंच गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में सोने चांदी के दाम और बढ़ेंगे ये कहना गलत नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। सोने की कीमत पर कस्टम ड्यूटी कम करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, मगर सरकार इस ड्यूटी को इतनी कम कर देगी किसी ने सोचा भी नहीं था। सोने की कम हुई कीमत और शेयर मार्केट में हुए फायदे पर सरकार ने के जो टैक्स लगाने के प्रस्ताव हैं उससे भी अब सोने में निवेश बढ़ेगा। तो ये मानिए कि सोना खरीदने का ये अब सही समय आ गया है।